तो स्टेपर मोटर एक स्पेशल टाइप ऑफ डीसी मोटर होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल मोशन मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है हमारी? इज अ इंक्रीमेंटल मोशन मशीन। इट इज अ परमानेंट मैग्नेट या वेरिएबल रिलेक्टेंस डीसी मोटर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या क्या चीजें इसमें कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स होती है? पहले ये होता है कि ये क्या कर सकता है, ये कैन रोटेट, इट कैन रोटेट इन बोथ डायरेक्शन। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रोटेट कर सकता है बोथ डायरेक्शन में। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कैन मूव इन अ प्रिसाइज एंगुलर इंक्रीमेंट्स। पहला ये है कि रोटेट कर सकेगा इन बोथ डायरेक्शन में। दूसरा, इट कैन मूव इन अ प्रिसाइज एंगुलर इंक्रीमेंट्स। तीसरा, इट कैन सस्टेन अ होल्डिंग टॉर्क एट अ जीरो स्पीड। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इट कैन सस्टेन अ होल्डिंग टॉर्क एट जीरो स्पीड। चौथा, इट कैन बी कंट्रोल्ड विद अ डिजिटल सर्किट। और ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद डिजिटल सर्किट। दीज आर द बेसिक फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कि ये रोटेट कर सकता है बोथ डायरेक्शन में। दूसरा, इट कैन मूव इन प्रिसाइज एंगुलर इंक्रीमेंट। तीसरा, इट सस्टेन होल्डिंग अ टॉर्क एट जीरो स्पीड। एंड द फोर्थ दैट इज योर, इट कैन बी कंट्रोल्ड विद डिजिटल सर्किट। तो आगे बात करते हैं क्या क्या स्टेपर मोटर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो स्टेपर मोटर जो होता है मूव करता है इन एक्यूरेट इक्वल एंगुलर इंक्रीमेंट, जो कि मैं बात की थी, इक्वल एंगल एंगुलर इंक्रीमेंट नोन एज अ स्टेप। इसलिए इसका नाम लिखा गया एज अ स्टेप्स। स्टेपर मोटर मूव करेगा एक्यूरेट इक्वल एंगुलर इंक्रीमेंट्स नोन एज अ स्टेप्स इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल पल्सेस टू एन इलेक्ट्रिक ड्राइव सर्किट। द नंबर एंड द रेट ऑफ पल्सेस कंट्रोल द पोजिशन एंड स्पीड ऑफ द मोटर शाफ्ट। क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करेगा पोजिशन और स्पीड ऑफ द मोटर शाफ्ट। तो जनरली जो स्टेपर मोटर्स होते हैं आर मैन्युफैक्चर्ड विद द स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन। कौन कौन सा रिवॉल्यूशन होता है? 12 हो गया, 24 हो गया, 72 हो गया, 144 हो गया, 180 हो गया और 200। रिजल्टिंग द शाफ्ट इंक्रीमेंट जो होगा इनके बीच में, तो आप जैसे यहाँ पर 30 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, 2.5 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1.8 डिग्री पर स्टेप। स्पेशल माइक्रो स्टेपिंग की बात करते हैं तो स्पेशल माइक्रो स्टेपिंग सर्कुलेटरी कैन बी डिजाइन टू अलाउ मेनी मोर स्टेप पर रिवॉल्यूशन, ऑफन 10,000 स्टेप पर रिवॉल्यूशन या मोर। स्टेपर मोटर इज यूज टू डिजिटली कंट्रोल पोजिशन कंट्रोल सिस्टम इन ओपन लूप मोड। कौन सा मोड होगा? ओपन लूप मोड होगा। और जो इनपुट कमांड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस टू टर्न आर शार्प थ्रू अ स्पेसिफाइड एंगल, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एंगल यूज करेंगे। तो आगे बात करते हैं तो स्टेपर मोटर क्या होंगे। स्टेपर मोटर आर आइदर बाइपोलर होते हैं या रिकरिंग टू पावर सोर्स या स्विचेबल पोलैरिटी पावर सोर्स या अनपोलर रिकरिंग ओनली वन पावर सोर्स कहलाते हैं। दे आर पावर बाय डीसी सोर्सेज और रिक्वायर डिजिटल सर्कुलेटरी टू प्रोड्यूस क्वाइल इनर्जाइजिंग सीक्वेंस फॉर रोटेशन ऑफ द मोटर। फीडबैक जो होता है इसमें नहीं होता था। फीडबैक इज नॉट अलॉय रिक्वायरमेंट Always, always, feedback is not always required for the control, but the use of an encoder या other position sensor can be ensure actually then exact position control is critical. तो generally अगर बात करते हैं तो generally stepper motor जो होते हैं वो produce करते हैं less than 1 horsepower and therefore used only in low power position and control applications. Next बात करते हैं construction working की। जब कंस्ट्रक्शन वर्किंग बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे तो स्टेपर मोटर कंसिस्ट ऑफ अ स्लॉटेड स्टेटर स्टेटर हैविंग अ मल्टी फेस वाइंडिंग एंड रोटर स्ट्रक्चर वेयरिंग अ नो वाइंडिंग। स्टेपर मोटर्स ऑपरेट करता है विद एन एक्सटर्नल ड्राइव लॉजिक सर्किट। स्टेपर जो मोटर होगा वो ऑपरेट करेगा किसके थ्रू? एक्सटर्नल ड्राइव लॉजिक सर्किट के थ्रू। When a train of pulse is applied to the input of the drive circuit and the circuit supply कर रहा है currents to the stator winding of the motor to make the axis of air gap filled around in a coincident with the input pulses and the rotor follows the axis of the air gap magnetic field by virtue of the permanent magnet torque and or reluctance torque depending upon the pulse rate and load torque including the inertia effects. पहला परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वन का बना डायग्राम और दिस इज द फेस टू। फेस वन साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, फेस टू में साउथ पोजीशन साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ पोजीशन।
तो फेस परमानेंट मैग्नेट मोटर स्टेपर मोटर की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर्स द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ अ वाउंड पोल्स और द रोटर पोल्स आर परमानेंट, यानी आप देख सकते हैं रोटर जो पोल्स हैं आर परमानेंट मैग्नेट्स हैं, और इन दिस फिगर देर आर स्टैक्स ऑफ टू फेस फोर पोल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम जो है ये आपका दिखा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, और इसमें जो रोटर होता है वो मेड ऑफ फेराइट या रेयर अर्थ मेटल्स मटेरियल विच इज परमानेंट मैग्नेटाइज इसका बना होता है, और जो स्टेटर बैक स्टैक है ऑफ फेस सेकेंड इज स्ट्रैगेड फ्रॉम द फेस फ्रॉम दैट ऑफ द फेस वन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और वेन द फेस वन इज एक्साइटेड, जैसे फेस वन एक्साइटेड हो जाएगा जो रोटर अलाइंड है एज द शोन इन फिगर 7.8.1, इफ नॉट द फेस सेकेंड इज ऑल्सो एक्साइटेड, फेस वन एक्साइटेड होगा तो फेस सेकेंड जो होगा ऑल्सो एक्साइटेड हो जाएगा, और द इफेक्टिव स्टेटर पोल शिफ्ट एंटी क्लॉक वाइज कितने एंगल पर 22.5 डिग्री एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा, causing the rotor to move accordingly, now keeping the phase second still energized. If the phase one is no de-energized, the rotor will move another step of 22.5 degree. This is a reversible of phase one winding. Current will be produced for the forward movement of 22.5 degree and so on. तो ये energized और de-energized होगा, इसका हम animation अभी देख लेंगे. Step two हो गया. The reversible phase इट कैन बी इजली ऑब्जर्व या विजुलाइज टू एज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैन बी रिवर्स डायरेक्शन हम दे सकते हैं यहाँ पर. तो ईच फेस इज प्रोवाइडेड विद द डबल कॉइल्स टू सिंपली द स्विचिंग अरेंजमेंट विच इज द इलेक्ट्रॉनिकली अकॉम्प्लिस्ड. दिस टाइप ऑफ मोटर हैज द एडवांटेज ऑफ स्मॉल रेजिडुअल लोडिंग टॉर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेंट टॉर्क, इवन वेन द स्टेटर इज नॉट एनर्जाइज भी. सेकेंड बात करते हैं दूसरे हमारा वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर, इसमें क्या क्वालिटी है. वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर जो होता है नो परमानेंट मैग्नेट, इसमें था परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इसमें नो परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं. ऑन द रोटर एंड द रोटर एम्प्लॉयड एज अ फेरो मैग्नेटिक या मल्टी टू थर्ड वन, डायग्राम दे सकते हैं. द लार्ज डिफरेंस इन मैग्नेटिक रिलेक्टेंस विद दैट एक्सिस बिटवीन द डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेचर एक्सिस डेवलप द टॉर्क. द स्टेशनरी फील्ड डेवलप्ड बाय द डायरेक्ट करंट इन द सेम स्टेटर कॉइल्स टेंड्स टू डेवलप अ टॉर्क विच कॉज द रोटर टू मूव द पोजिशन वेयर द रिलेक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ इज मिनिमम, जैसे कि हम लोग भी एनिमेशन में इसका वर्किंग देखेंगे. दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर. अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि पहला कंडीशन है कि जब पेयर ऑफ पोल्स एनर्जाइज्ड बाय द करंट बींग स्विच टू देम एंड रोटर रोटेट्स द पोजिशन सोन सेकेंड. स्टेटर यहाँ पर है, ये आपका अंदर वाला पोर्शन रोटर का, एंड दिस वन इज द पेयर ऑफ पोल्स. सेकेंड में दिस पेयर ऑफ पोल्स एनर्जाइज्ड बाय द करंट बींग स्विच टू देम टू गिवन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज अ स्टेटर. विद दिस द फॉर्म ऑफ रोटर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट स्टील एंड इज सिलेंड्रिकल विद द फोर पोल्स फीवर पोल्स देन द स्टेटर. तो दिस इज व्हेन एन अपोजिट पेयर ऑफ वाइंडिंग हैज करंट स्विच टू देम अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस विद द लाइन ऑफ फोर्स स्विच पास द स्टेटर पोल्स थ्रू द nearest set of poles the rotor. Since lines of force can be considered to rather like elastic thread and always trying to the shorten themselves, the rotor will move until the rotor and stator poles line up. And the term the position of minimum reluctance, this form of stepper generally gives step kitna angle hoga 7.5 degree to 15 degree. To yahan pe alpha kaise nikalenge, ye alpha hamara kya hai, stepping angle जो कि 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेसेस इनटू नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एनपी.